खबर केजरीवाल के दो विधायकों और एक सांसद की। कल 24 घंटे के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दो विधायक सलाखों के अंदर पहुंच गए। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह महिला से बदसलूकी के आरोप में एक दिन की पुलिस रिमांड पर है, तो वहीं मेहरौली से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव को पुलिस ने वसंत कुंज में उनके घर से गिरफ्तार किया है। नरेश यादव पर धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर संसद में वीडियोग्राफी करने का मामला है और लोकसभा स्पीकर आज कोई फैसला ऊपर ले सकते हैं। तो भगवंत मान पर आज कोई फैसला आ सकता है, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ये फैसला ले सकती है। संसद परिसर की लाइव वीडियो को फेसबुक पर दिखाने को लेकर विवाद में आए आम आदमी पार्टी के सांसद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के सामने पेश हुए थे। महाजन ने भगवंत मान से वीडियो पर नाराजगी जताई थी। भगवंत मान ने अपनी ओर से इस वीडियो पर सफाई दी। और धर्म ग्रंथों की बेअदबी के मामले में नरेश यादव को मलेरकोटला की जिला अदालत में आज पेश किया गया। पुलिस ने दो दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है और फैसला फिलहाल कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। तो नरेश यादव की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी में ऐसे 10 विधायक हो गए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको हम बारी बारी से बताते हैं आम आदमी पार्टी के किस विधायक को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। नरेश यादव विधायक है मैरौली से। इन्हें पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस ने आज गिरफ्तार किया था कल शाम को। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अखिलेश त्रिपाठी विधायक है मॉडल टाउन से और 2013 में मारपीट और हंगामे के आरोप में नवंबर 2015 में वो गिरफ्तार हुए थे। जितेंद्र सिंह तोमर विधायक है त्रिनगर से, फर्जी डिग्री केस में जून 2015 को गिरफ्तार किए गए थे। मनोज कुमार विधायक हैं कोंडली से, धोखाधड़ी का केस उन पर था और जुलाई 2015 में को वो गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें कि कमांडो सुरेंद्र सिंह विधायक दिल्ली कैंट से, मारपीट का केस उन पर था, अगस्त 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोमनाथ भारती जो कि विधायक हैं मालवीय नगर से, घरेलू हिंसा के केस में सितम्बर 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा महेंद्र यादव जो कि विकासपुरी से विधायक हैं, दंगा कराने के केस में जनवरी 2016 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जगदीप सिंह विधायक हरिनगर, मारपीट के आरोप में मई 2016 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दिनेश मोहनिया जो कि संगम विहार से विधायक हैं, बुजुर्ग से मारपीट के मामले में जून 2016 में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको उठा लिया था। और आखिरी में अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से विधायक है, महिला को धमकाने के मामले में उन्हें जुलाई 2016 में गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं, ताजा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में ये 2 मामले सामने आए, 2 विधायक और एक सांसद इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। 2 विधायक सलाखों के पीछे जा चुके हैं और सांसद भगवंत मान के ऊपर क्या कार्रवाई होती है इस पर आज फैसला लेंगे लोकसभा स्पीकर।